कुछ महीने पहले अत्यधिक बारिश से जूझने वाले केरल में अब अभूतपूर्व और भीषण गर्म मौसमी स्थितियां महसूस की जा रही हैं। तटीय राज्य में गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन तिरुवनंतपुरम जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित अलप्पुझा, कोट्टायम और कन्नूर जिलों के कुछ क्षेत्रों में तापमान ताप सूचकांक पर 45 से 54 डिग्री सेल्सियस महसूस किया गया। इसके अलावा इडुक्की और वायनाड के पहाड़ी जिलों के कुछ हिस्सों में ही 29 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान सूचकांक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये जानकारी केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि KSDMA की गुरुवार की रिपोर्ट में सामने आई है। इसके चलते गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और हीट स्ट्रोक का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी ओर भीषण गर्मी के अलर्ट के चलते गोवा में स्कूलों को दोपहर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने देश में भीषण गर्मी की चेतावनी दी थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। तिरुवनंतपुरम के मौसम विभाग कार्यालय ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से बाहर जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने, तेज गर्मी से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह जारी की है। IMD के अनुसार उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना भी है। 11 मार्च के बाद से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इस दौरान लोगों को घर के अंदर रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। IMD ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। बता दें कि इस साल पड़ी भीषण ठंड के बाद अब गर्मी अपना कहर दिखाने को तैयार दिख रही है। तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ताप सूचकांक तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त होने वाले अनुभव का मापांकन करता है। दुनिया के कई विकसित देश सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने के लिए ताप सूचकांक का उपयोग करते हैं। इसमें पारे से इतर शरीर पर तापमान का कैसा प्रभाव महसूस किया जा रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। धूप में बाहर निकलने पर लोगों में थकान का अनुभव किया जा रहा है। गोवा शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के स्कूलों को गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर से पहले बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने प्रदेश में लू चलने की चेतावनी जारी की है। शिक्षा निदेशक शैलेश झिंगाड़े ने कहा, लू के अलर्ट के चलते प्रदेश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 9 मार्च से 10 मार्च तक 12 बजे से पहले की दोपहर कक्षाओं को बंद रखने के निर्देशों का परिपत्र जारी किया गया है। हमने स्कूलों से छात्रों को दोपहर के बाद स्कूल आने की अनुमति देने के लिए कहा है। आमतौर पर यहाँ गर्मियों के दौरान ऐसे हालत नहीं बनते हैं। इस साल अब तक पलक्कड़ में लोगों को सामान्य गर्मी का सामना करना पड़ा है। जिले में तापमान सूचकांक 30 से 40 डिग्री सेल्सियस है। अधिकांश इडुक्की जिले का तापमान भी लगभग इतना ही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।